हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू आवर शो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल थेरेपी। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हमारे साथ है पंडित गौरी शंकर शास्त्री जी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे काल सर्प दोष निवारण। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में जी। पंडित जी, हमने देखा है कि कुछ लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, तो आपके पास कोई ऐसा उपाय जिससे वो दोष दूर हो सके? जी बिल्कुल करिश्मा जी, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। प्रायः लोग आजकल काल सर्प योग से दुखित होते हैं, तो हम सबसे पहले ये बताना उचित समझेंगे काल सर्प योग होता कैसे है। हमारे जन्म कुंडली में जब राहु और केतु के अंडर में सभी ग्रह आ जाते हैं, तब हमारे ऊपर काल सर्प योग बनता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो हम सबसे पहले इस मंत्र का जप करें, ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे केच पृथ्वी मनु जे अंतरिक्ष जो दिव्य सर्पेभ्यो नमः, तथा नव कुलाय विदमहे विष दंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इसी के सहित पांच प्रदोष को चांदी के नाग और नागिन बना करके भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाएं। ऐसा करने से हमारा काल सर्प योग शांत होता है। धन्यवाद पंडित जी। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल थेरेपी में आपको आपकी समस्या का हल मिल चुका होगा।